अगर 2019 के चुनाव को ऐतिहासिक बनाना है तो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकना होगा। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, कोई पार्टी जीतती है कोई हारती है, और हर लोकतांत्रिक देश के इतिहास में ऐसे चुनाव भी आते हैं जब या तो देश हारता है या जीतता है। अगर 2019 के चुनाव में भाजपा जीतती है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये हमारे देश भारत की हार होगी, और अगर भाजपा हारती है तो ये हमारे देश की जीत होगी। अगर हम भारतवासियों को ये साबित करना है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो 2019 के चुनाव में हमें इन सत्ताधारी तानाशाहों और सांप्रदायिक ताकतों को हरा कर ये बताना पड़ेगा कि देश लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप लोगों को लोकतंत्र, जो आपके जीवन शैली का हिस्सा है, उसको नहीं खोना चाहते हैं, तो उन झूठे, मक्कार और अहंकारी लोग जिनको 5 साल पहले चुना था और जो पिछले 5 सालों से देश को, देश के संविधान को और लोकतंत्र के नियमों को जूते की नोक पर रखकर खुद को देश से बड़ा साबित करने का तमाशा कर रहे हैं, उनको हटाना होगा। एक चुने हुए गलत व्यक्ति को हटाना ही सही की तरफ पहला कदम। 2019 के आम चुनाव कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं, और इस बार इन चुनाव के नतीजों की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार सत्ता में बैठे लोग बेहद चालाक, बहुत ताकतवर और तिगड़मी हैं। अगर 2019 के चुनाव में भाजपा लौटती है तो देश में लोकतंत्र नहीं लौटेगा, क्योंकि भाजपा झूठे, भ्रष्टाचारी और फर्जी लोगों का एक जमावड़ा है जिनको देश के लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। इस पार्टी का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी न्यायपालिकाओं को छल, कपट और तिगड़मों में भटकाकर जेल से बाहर है। उसका जेल से बाहर होना उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जब गुजरात की कमान इन्हीं दोनों के हाथ में थी तो भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और हत्यारों को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इन दोनों ने सबको बचाया था। बात इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात में किसी भी अपराध और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती है, इसलिए इन सारे मामलों की सुनवाई यहां से, यानी गुजरात से बाहर की जाए। देश के 70 सालों के इतिहास में गुजरात के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा राज नहीं है जिसे ऐसा अपमान झेलना पड़ा हो, और गुजरात के माथे पर लगे कलंक के जिम्मेदार यही दोनों लोग हैं। पिछले 5 सालों से देश में क्या चल रहा है ये आप सबको पता है। देश की आत्मा को चोट पहुंचाई जा रही है, फर्जी देशभक्ति के नाम पर पूरे देश को गुजरात बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का ये कौन सा राष्ट्रवाद है, कौन सा सामाजिक न्याय है जहां पर बहुजन समाज पार्टी की नेता और हमारी तस्वीर को होलिका के दहन के साथ, होली दहन के साथ उन्होंने तस्वीर जलाई है। याद रखें, ये पूरे देश के दलित,
और पिछड़े ये देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता है, और इस बार इस मानसिकता को जवाब देने के लिए जनता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके वार करने का काम करते हैं। केवल विपक्ष के लोग, अगर जिनकी भी बात आई है, वो अगर जानना चाहें कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, उसका भी जवाब सरकार नहीं देना चाहती है। ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी पर है तो भारतीय जनता पार्टी है पर है। कहाँ चाय वाली बात हो रही थी, चाय वाली बात होते होते चौकीदार तक बात पहुंच गई, अब वो चाय वाली जगह खाली है। इस चुनाव में कोई पूछने वाला नहीं अच्छे दिनों को, इस चुनाव में कोई वादा नहीं याद कर रहा है। लेकिन ये पहली राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, उस वादे के खिलाफ काम करती है। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार आई, नोटबंदी और GST से करोड़ों नौजवानों की नौकरी छीन ली। जो कलंक गुजरात के माथे पर इन दोनों ने लगाया है, मुझे यकीन है वो आप देश के माथे पर लगा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए इन लोगों को सत्ता में आने से रोकने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर आप भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा की सरकार दोबारा बनती है, तो भारत का ताना बाना, जो अनगिनत भाषाओं, धर्मों और जातियों के खूबसूरत रंग के धागों से बुना हुआ है, वो टूट जाएगा, और टूट के इस कदर बिखर जाएगा कि इसको दोबारा जोड़ना नामुमकिन होगा। चौकीदार हैं, और गुजरात में तकरीर की आज से 10-12 दिन पहले, और तकरीर में हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। उनका इशारा था हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ। हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, क्या आपने ट्विटर के ऊपर वो बच्ची समीरा की चीख की आवाज सुनी, उसका वीडियो देखा आपने, जो आपके घर से 7 RCR से आधे घंटे में पहुंच जाते गुड़गांव बौंडसी गांव में। वो समीरा बच्ची एक छत पर खड़े होकर, और दरवाजा है जिस पर 5 लोग दरवाजे को बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि कोई घुसकर ना आ जाए, और बच्ची पुकार कर कह रही है कि अब्बा पे हमला हो रहा, अब्बा को मार रहे, अब्बा को मार रहे, अम्मी को मार रहे, घर में घुस गए। और वीडियो में आवाज आ रही है, एक लाचार और बेबस बाप नीचे बैठकर अपनी बच्ची की आवाजें तो सुन रहा है, मगर चीख मार रहा है, लठों से उसको पीटा जा रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जो चौकीदार अपने आप को कहते आपके नाक के नीचे, आपके घर से आधे घंटे के फासले के ऊपर ये वाकया हो रहा है, घर में घुसने की तो बात आपने की, और ये जालिम लोग घर में घुसकर एक बच्ची समीरा पुकार रही है और उसके बाप को मार रहे हैं, मार मार कर उसकी पैर की हड्डी को तोड़ दिया। और क्या कह रहे हैं मारने वाले, भाग पाकिस्तान को, भाग पाकिस्तान को, भगाओ मुल्लाओं को। जो एक बार टूटता है वो कभी नहीं जुड़ता। 1947 में देश ऐसा टूटा कि फिर कभी नहीं जुड़ा। सोवियत संघ ऐसा बिखरा कि दोबारा कभी एक ना हो सका। क्या पाकिस्तान कभी बांग्लादेश को दोबारा जोड़ पाएगा? तो दोस्तों, ऐसी विचारधारा के लोगों को कभी मत चुनो जो हमारे समाज को तोड़कर आप लोगों पर राज करना चाहते हैं। समाज पर हुकूमत करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो उनको बिखेर दो, उनको आपस में लड़ाकर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर उनको अलग करके उन पर हुकूमत करो, या फिर उनको आपस में भाईचारे और टॉलरेंस के लिए शिक्षित करो। भाजपा अगर दोबारा लौटती है तो ये पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक देगी। देश के लोगों को आपस में बांटकर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर ही राज करना इसकी नीति है। अगर ये भाजपा सरकार दोबारा लौटती है तो देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म कर दी जाएंगी। ये सरकार RBI, न्यायपालिका, CAG, CBI, चुनाव आयोग, संसदीय समिति और समाचार संस्थानों जैसे संस्थान को अपने रास्ते का पत्थर समझती है, और ये एक एक करके सबको तोड़ने में लगी है।
जो पिछले 5 सालों में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो पिछले 70 सालों के देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रात के 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया गया, आरबीआई के गवर्नर्स ने अपने पद छोड़े। अभी तो ये संस्थाएं कमजोर हुई हैं, इसलिए देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है पर टूटा नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी दोबारा वापस आते हैं तो ये संस्थाएं टूट कर खत्म हो जाएंगी और देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। इंसान हो या दल, जो झूठा और नकली होता है वो जुमलेबाजी का सहारा लेता है, क्योंकि उसके पास दिखाने और कहने के लिए कुछ नहीं होता। जब से ये भाजपा सरकार आई है, सिर्फ जुमलेबाजी की फसल काट रही है। देश में झूठ, फर्जी खबर और फर्जी आंकड़ों की बाढ़ आ गई है। अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर आपके पैसों को लूटा गया है। हर भाजपा नेता की संपत्ति पिछले 5 सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। अगर ये भाजपा सरकार दोबारा लौटती है तो बड़े बाजार, बड़े निवेशक, कॉरपोरेट सब मिलकर आपको लूटेंगे और ये ढोंगी देशभक्त आपके सामने फर्जी आंकड़ों का जाल बिछाकर आपको छलते रहेंगे। आप लोगों को आसानी से छला जा सके, इसलिए ये सरकार एक एक करके सारे शिक्षा संस्थानों का बेड़ा गर्क कर रही है। अगर ये सरकार दोबारा लौटती है तो ये सारे शिक्षा संस्थानों को बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसे पढ़े लिखे युवा नहीं, अज्ञानी युवा चाहिए। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के ज्यादा कार्यक्रम हो, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ हनुमान जी की जाति बताएंगे। अच्छा, कहीं बंदर भगाने की बात होगी तो वो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ दो। भाजपा और आरएसएस युवाओं में उन्माद जगाना चाहती है और अंधविश्वास और अज्ञान से लैस युवाओं की भीड़ बढ़ाना चाहती है। इसलिए कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा इनकी आंखों में चुभते हैं। तो दोस्तों, इस चुनाव में गलत नहीं, सही को चुनना है। देश को बिखेरने वालों को नहीं, देश को जोड़ने वालों को चुनना है। इस बार दल नहीं, देश चुनना है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो patreon.com डॉक्टर अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दूसरे वीडियोस और पूरे वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।